थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम बदनपुर निवासी प्रदीप चौहान का पुत्र मुन्ना सिंह ने एसडीएम अमृतपुर विजेंद्र कुमार सिंह को फोन किया। उसने कहा कि वह हाईकोर्ट लखनऊ का जज बोल रहा है, वह उसकी एक पट्टी की फाइल मुन्ना सिंह के नाम से है, जिसे पास कर दें। पता चला है कि उसने एडीएम को भी फोन कर अपनी हेकड़ी दिखाई। कई बार फोन करने पर एसडीएम को शक हुआ तो उन्होंने इसकी पड़ताल शुरू की। पता चलने पर आरोपी प्रदीप चौहान को उन्होंने शहर कोतवाली के आवास विकास से आरोपी प्रदीप को दबोच लिया। वह उसे अपनी गाड़ी में साथ लेकर थाने आ गए। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा, स्वाट टीम प्रभारी दिनेश गौतम आदि थाने पहुंचे। पता चला है कि प्रदीप चौहान हाईकोर्ट लखनऊ में चालक है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपी प्रदीप चौहान अपने काले कारनामों से अधिकारियों पर दबाव बनाने और जालसाजी का काम करने में पत्नी को भी साथ रखता है। उसने लखनऊ के पते से सिम कार्ड ले रखा था। वर्तमान में वह आवास विकास में रह रहा था। पुलिस अब उसकी पत्नी पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। खुद जज बनता था और पत्नी को मजिस्ट्रेट बनाकर काले कारनामों को अंजाम देता था। जनपद एटा में भी हाईकोर्ट के फर्जी जज बने प्रदीप पर मकान कब्जा कराने के आरोप में एक मुकदमा दर्ज कराया गया है। यूपी के फर्रुखाबाद से विनय यादव की रिपोर्ट। नाम का एक व्यक्ति है जो कि बिल्कुल मानसिक रूप से भी और अपने कारनामों से भी बिल्कुल आपराधिक किस्म का है। ये इसने बार बार फोन करके एसडीएम अमृतपुर और अन्य अधिकारियों को भी इसने तरह तरह के कामों के लिए दबाव बनाया और अपने को पोज करता था कि मैं ऑनरेबल जस्टिस हाईकोर्ट लखनऊ बोल रहा हूँ। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति थी। संदेह होने पर इसकी गहराई से जांच की गई। एसडीएम साहब ने खुद ढेर सारे तथ्य एकत्र किए और उसकी सहायता से जब बात आगे बढ़ी तो पता चला कि एक फ्रॉडुलेंट व्यक्ति है जो लखनऊ में निवास बनाकर रहा। लखनऊ के पते से इसने सिम कार्ड वगैरह बनवाए। ये और इसकी पत्नी मिलकर के इन लोगों ने इसमें कई ऐसे फ्रॉड के कारनामों को अंजाम दिए। आवास विकास फर्रुखाबाद में इसमें रह रहे हैं, कयाम कर रहे हैं और ये बता करके फ़ोन करते थे कि मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। एक नंबर पत्नी का दे देते थे, कहते थे कि मैं मजिस्ट्रेट बोल रहा हूँ, ये मजिस्ट्रेट जाएंगे और कोई बात बताएंगे, ऐसा काम हो जाए। फिर कई तरह के कामों के लिए अधिकारियों पर बार बार दबाव बनाने का प्रयास किया। ये सारे तथ्य संज्ञान में आए हैं। अब इसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आवश्यकता अनुसार तलाशी इत्यादि लेकर के विधिक कार्यवाही आगे की जाएगी।